तो दोस्तों आज हम एक एलईडी बल्ब बनाने वाले हैं। तो एलईडी बल्ब बनाने के लिए हमें सबसे पहले 9 वाट का एमसी पीसीबी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एलईडी बल्ब का बॉडी, और इस B22 कैप को लगाने के लिए हमें एक फेविक्विक की ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक 9 वाट का जो है एलईडी बल्ब का ड्राइवर चाहिए। फिर चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपने बल्ब को। एलईडी बल्ब के ड्राइवर को दोस्तों हम लोग सबसे पहले एलईडी बल्ब को दोस्तों जो है बल्ब के बॉक्स में सेट करेंगे, और B22 कैप को लगाने से पहले हमें जो है दोनों वायरों पर सोल्डरिंग कर देना है। इसे B22 कैप कहते हैं, और सोल्डरिंग जो है आपको एकदम अच्छे तरीके से करना है। और फ्रेंड्स हमने सोल्डरिंग भी कर दिया है, और B22 कैप को हम लोगों ने फेविक्विक की सहायता से दोस्तों जो है लगा दिया है। अब हम एलईडी बल्ब के दोस्तों जो है MCPCB को लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों इसे टिक्की बोलते हैं, टिक्की को लगा लेंगे। अब हमारे ये टिक्की को ऐसे प्रेस कर दीजिएगा, लग गया। और MCPCB पे दोस्तों यानी इस लाइट पे दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोस्तों जो है लिखा रहता है, तो आप बल्ब को जो है आराम से लगा लेंगे। और इस किट के साथ दोस्तों हमें नट बोल्ट भी मिलता है, हमें स्क्रू भी मिलता है ताकि हम इसे टाइट कर सकें। तो दोस्तों अब हम लोग वायर को सोल्ड कर रहे हैं। वायर को सोल्डरिंग करते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको वायर को दोस्तों जो है एकदम सही तरह से सोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग थोड़ा थोड़ा होगा तो हो सकता है कि वायर निकल जाए, इसीलिए अच्छे से सोल्ड करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने बल्ब की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बल्ब को लगा दिया है, और ये 9 वाट का है, और जो ही मैंने स्विच को ऑन किया है ये बटन बल्ब को देख सकते हैं दोस्तों कितना तेज ब्राइटली ग्लो कर रहा है। इसका दोस्तों ब्राइटनेस पूरे रूम में है दोस्तों, एकदम अच्छे से छा गया है, और ये बल्ब काफ़ी मस्त है। आप इसे असेंबल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा बल्ब बनाना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, आपको एक लिंक मिल जाएगा बिजनेस का, आप उससे हमसे सामान भी खरीद सकते हैं दोस्तों।